साल 1985, तोरण सिंह जिसे सब टीटू के नाम से भी जानते थे अभी 2 साल का भी नहीं था जब एक अजीब सी चीज हुई। आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में टीटू ने दूसरे बच्चों से पहले ही बोलना शुरू कर दिया था। अब ये तो किसी भी माँ बाप के लिए खुशी की बात होती है जब उनका बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है, लेकिन टीटू के केस में ना ये खुशी से ज्यादा चिंता का कारण बन गया। जब टीटू 2 साल का हुआ तो उसने अजीब बातें कहनी शुरू कर दी। हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं है। वो अपने पापा से कहता, मुझे मेरी बीवी और बच्चों से बात करनी है, मुझे यहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मैं उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अब ये सुनकर ना उसके माँ बाप हैरान रह गए। जब उसकी माँ ने पूछा कि वो किसकी बात कर रहा है तो टीटू ने सीधा जवाब दिया, मैं अपनी असली फैमिली की बात कर रहा हूँ जो आगरा में रहती है। मेरे यहाँ तुम्हारे यहाँ जन्म लोए तो मेरे तो कहा कि तुम माँ बाप हो और भी माँ बाप। बार बार वो अपने माँ बाप से कहता, आप लोग मेरे असली पेरेंट्स नहीं हो, मेरे असली माँ बाप आगरा में हैं। कभी कभी तो वो रोने लगता और कहता, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने असली घर जाना है। अब शुरुआत में सबने उसकी बातें एक बच्चे के वाइल्ड इमेजिनेशन के रूप में ली। उन्हें लगा कि वक्त के साथ साथ ये अजीब से भ्रम टूट जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे बात और सीरियस होती गई। साल 1988 तक जब टीटू 5 साल का हुआ उसका बर्ताव और भी अजीब हो गया। एक दिन उसने कहा कि मेरा असली नाम टीटू नहीं है, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। उसने बताया उसकी बीवी का नाम उमा है और उसके 2 बेटे हैं रोमू और सोमू। उसने अपने पिता का नाम भी बताया, चंदा भारती। मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। लेकिन टीटू यही नहीं रुका, उसने आगरा में अपने घर और अपनी दुकान सुरेश रेडियोज जो सदर बाजार में थी के बारे में भी बताया। इनकी दुकान है वो मेरी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी जान कैसी गई थी उसका पूरा वाक्या उसने अच्छे से सबको सुना दिया। उसने कहा कि एक शाम जब वो अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था तो 2 आदमी आए और उसके सिर पर गोली मार दी, जिस वजह से उसका देहांत हो गया। उसने डिटेल में बताया कि कैसे उसका इलाज करने के बाद उसकी बॉडी को शमशान घाट ले जाया गया, मुझे वहां जलाया गया और मेरी राख यमुना में बहा दी गई। टीटू ने कहा, कभी कहता है मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैं शमशान भूमि ले गए, शमशान भूमि में आग लगा दी और पानी डाल के मुझे यमुना में फेंक दिया। पिछले 3 साल से टीटू की फैमिली उसकी अजीब बातें सुनते आ रही थी, लेकिन अब जब उनका 5 साल का बच्चा अपनी पुरानी जिंदगी, बीवी बच्चे और अपनी जान जाने तक के बारे में बता रहा था तो उनका डर और भी बढ़ गया। ये खबर गांव में तेजी से फैल गई और हर कोई टीटू के बारे में बात करने लगा। गांव वालों को लगा कि टीटू के अंदर कोई भूत घुस गया है, जैसे हमारे देश में गांव में अक्सर सोचा ही जाता है। टीटू का केस भी वैसा ही लगने लगा। उसका तरीका, उसके बोलने का अंदाज और उसका हाव भाव अब एक 5 साल के बच्चे जैसा नहीं था बल्कि एक बड़े आदमी के जैसा हो गया था। उसने अपने माँ बाप की गरीबी का मजाक बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी माँ से कहता, मेरी बीवी कभी पुरानी फटी साड़ी नहीं पहनती, मेरी माँ 20,000 वाली साड़ी पहनती है, तुम इतने गंदे कपड़ों में बाहर क्यों जाती हो। मैं धोती पैर के बाहर साड़ी है, जानते कहे तुम वो तुझे तो मम्मी मेरी माँ तो 2,000 की साड़ी पहनती है, तुम गंदी धोती के बाहर मत जाओ करो। अब टीटू के माँ बाप के लिए ना ये सब समझना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उनका सबसे छोटा बच्चा जो 6 भाई बहनों में से एक था अब एकदम बदल गया था। और एक दिन तो उसने अपना छोटा सा सूटकेस पैक कर लिया और कहा, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मैं अपने बंगलों में जा रहा हूँ। हर बार जब उसके फैमिली वाले उसे डांटते थे तो वो घर से भागने की धमकी देता था। कभी वो बस में चला जाता था तो कभी पैदल ही निकल जाता था। झोला अपने छोटे छोटे कपड़ा भरे और झट चल ले तुझे। और उसने हमेशा ये कहा है कि उसे अपनी गाड़ी में ही ट्रैवल करने की आदत है। टीटू का बर्ताव अब उसके माँ बाप के लिए एक बड़ी परेशानी बन गई थी। जो चीजें पहले तक एक बच्चे का बचपना लगती थी ना, अब एक ऐसा रहस्य बन गई थी जो हर किसी को हैरान कर रही थी। सबसे पहले फैमिली को, फिर गांव वालों को और अब तो दूर दूर तक के लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे। अब क्या टीटू के बातों में थोड़ा भी सच था या कुछ और ही बात थी, ये समझना सबके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसके अजीब बर्ताव ने उसके परिवार को इतना परेशान कर दिया था कि टीटू के बड़े भाई अशोक ने सोचा कि अब सच्चाई पता लगाने का समय आ चुका है। क्या ये सब टीटू के दिमाग की कल्पना थी या फिर सच में कुछ और ही था। अब इसका जवाब ढूंढने के लिए अशोक और उसका एक दोस्त आगरा के सदर बाजार की तरफ निकल पड़े, क्योंकि टीटू अक्सर ही कहता था कि वहां उसकी एक दुकान है सुरेश रेडियोज के नाम से। अब बहुत ढूंढने के बाद आखिरकार अशोक की नजर एक दुकान पर पड़ी जिसका नाम सच में सुरेश रेडियोज लिखा हुआ था।
सुरेश रेडियो की दुकान मुझे वहाँ मिल गई। अशोक बिल्कुल चौंक गया। क्या ये वही दुकान थी जिसका टीटू बार बार जिक्र करता था? क्या टीटू की बाकी बातें भी सच थी? क्या टीटू सच में सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म था, या फिर ये सब सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक था? पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका था। अब मन में अजीब सा डर लिए अशोक ने और पता लगाने की कोशिश की, और जो जानकारी उसे पता चली ना, वो किसी की भी नींद उड़ा सकता था। साल 1983 में सुरेश वर्मा आगरा के एक व्यापारी था। उनकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान थी जिसका नाम था सुरेश रेडियोज, जो सदर बाजार में थी। सुरेश आगरा में एक बड़े बंगलों में अपनी बीवी उमा और दो बच्चे, माँ बाप और भाइयों के साथ रहता था। 28 अगस्त 1983 को, यानी कि टीटू के पैदा होने से सिर्फ 4 महीने पहले, सुरेश अपनी सफेद रंग की फियाट गाड़ी में घर लौट रहे थे। अब जैसे ही सुरेश ने अपने घर के गेट के सामने गाड़ी रोकी और हॉर्न बजाया, दो अज्ञात गुंडों ने उन पर गोली चला दी। सुरेश के परिवार वाले जब तक बाहर आए, तब तक सुरेश दूसरी दुनिया में जा चुका था। गोली उनके सर के एक तरफ लगी थी, बिल्कुल उसी जगह पर जहां टीटू को बचपन से एक बर्थ मार्क था। अब ठीक 5 साल बाद अशोक ये कहानी सुनकर भौचक्का रह गया था। उसके छोटे भाई टीटू ने जो कुछ भी कहा था, उसकी हर एक बात सच दिखाई दे रही थी। वो सुरेश वर्मा की बीवी उमा से भी मिला और ये पूरा वाक्या उन्हें सुनाया। उमा को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि अशोक उनके साथ बहुत गंदा मजाक कर रहा है। आखिर कैसे एक 5 साल का बच्चा, जो आगरा से 17 किलोमीटर दूर एक गांव में पैदा हुआ है, उनके पति के जीवन की इतनी गहरी बातें जानता था। अब उमा ने सोचा कि शायद टीटू ने ये सब अखबारों में पढ़ा होगा, क्योंकि सुरेश का केस उस वक्त काफी फेमस हुआ था। लेकिन अशोक ने कहा कि टीटू ने ये सब बातें उस वक्त से कहनी शुरू कर दी थी जब उसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता था। उमा की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई, लेकिन उनका शक अभी भी उतना ही गहरा था। अशोक ने तब सजेस्ट किया कि उमा और उनका परिवार गांव आए और टीटू से बिना बताए मिलने की कोशिश करे, ताकि देख सके कि क्या टीटू उन्हें पहचान पाता है या नहीं। बहुत सारे मिलती जुलती इमोशंस के साथ उमा और सुरेश वर्मा का पूरा परिवार गाँव पहुँचा। उमा आई, पापा जी आए, माता जी आई, सब आए। जब वो लोग गांव पहुंचे, तब टीटू अपना खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें दरवाजे पर खड़ा देखा, वो तुरंत ही उनकी तरफ दौड़ा और उन्हें जोर से गले लगा लिया और चिल्लाने लगा कि देखो, मेरी असली माँ और बाबूजी आ गए हैं। उसने सुरेश के माँ बाप को अपना असली माँ बाप मान लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उमा को देखकर वो ऐसे शर्मा रहा था जैसे कोई अपनी बीवी के सामने शर्माता हो। उसने उमा से डोलपुर के मेले का भी जिक्र किया, जो सिर्फ सुरेश और उमा के बीच की एक मेमोरी थी। डोलपुर दीदी के यहाँ गए, रोनू सोनू को लेके साथ मेला करने के लिए, तुमने कहा। उमा ये सब सुनकर बिल्कुल चौंक गई थी। अब जब सुरेश का परिवार वापस जाने लगा, तब उसने सोचा कि अब वो भी उन्हीं के साथ आगरा जाएगा। लेकिन जब उसे समझ आया कि वो उसे साथ नहीं ले जा रहे हैं, तो वो गुस्से से चिल्लाने लगा, अपनी माँ से लड़ने लगा, अपने पापा को दोष देने लगा। फिर वो सुरेश के माँ बाप चंदा सिंह को गले लगाकर रोने लगा, क्योंकि उसके लिए चंदा सिंह ही उसके असली पिता थे। चंदा सिंह ने उसे प्यार से समझाया और वादा किया कि वो जल्द ही उससे मिलने आएंगे। फिर ये फैसला किया कि टीटू को एक दिन आगरा बुलाया जाए, ताकि ये कंफर्म हो सके कि उसके पिछले जन्म की यादें कितनी सही है। टीटू ने अपने पिछले जन्म के माँ बाप को तो पहचान ही लिया था, और अपनी बीवी उमा के साथ भी काफी पर्सनल बातें डिस्कस कर ली थी। लेकिन टीटू के असली माँ बाप के लिए ये और भी ज्यादा टेंशन का कारण बन गया। उनके लिए इससे बुरा और क्या हो सकता था कि उनका बच्चा किसी और को अपना माँ बाप मान रहा था। हम तो सर हैरान है इसलिए कि ये अपने को नहीं बदला, और जब मान लो बड़ा हो गया, तो उसके बाद में हम लोगों से संबंध ही बिल्कुल खत्म कर देगा। टीटू को आगरा ले जाने का वक्त आ गया था, लेकिन उससे पहले कुछ टेस्ट्स प्लान किए गए थे, ताकि ये देखा जा सके कि टीटू की बातें कितनी सच है। अब पहला टेस्ट तब किया गया जब टीटू को सुरेश की शॉप के पास से ले जाया जा रहा था। सुरेश का भाई गाड़ी को शॉप के सामने रोकने के बजाय तेजी से आगे ले गया, ये देखने के लिए कि क्या टीटू उस जगह को पहचान पाता है या नहीं। जैसे ही गाड़ी दुकान के पास से गुजरी, टीटू
सत्तू जोर से चिल्लाया, रुको रुको, मेरी दुकान तो पीछे रह गई, तुम आगे कहाँ जा रहे हो। बिना गाड़ी से उतरे टीटू ने शॉप और मार्केट को पहचान लिया, और वो भी तेजी से चलती गाड़ी में बैठे बैठे। ये काम कोई तभी कर सकता है जब वो उन गलियों से सैकड़ों बार गुजरा हो। दूसरा टेस्ट था टीटू को अंदर ले जाने का। जैसे ही वो शॉप के अंदर गया, उसकी चाल ढाल और बॉडी लैंग्वेज एक 5 साल के बच्चे से बदलकर एक प्रॉपर बिजनेसमैन में बदल गई। उसका हर एक अंदाज, जैसे उसका स्टूल पर बैठने का तरीका, हाथ हिलाने का तरीका, सब कुछ बिल्कुल सुरेश वर्मा जैसा ही था। उमा, जो कि उस शॉप की ओनर थी, ये देखकर बिल्कुल चौंक गई थी, क्योंकि इस छोटे बच्चे में उन्हें अपने पति का हाव भाव दिखाई दे रहा था। टीटू ने दुकान के अंदर हुए चेंजेस को भी पहचान लिया, जो सुरेश वर्मा के मरने के बाद किया गया था। अब तीसरा और आखिरी टेस्ट बचा था। टीटू को सुरेश के घर ले जाया गया, लेकिन इससे पहले सुरेश के दोनों बच्चों को घर के बाहर कॉलोनी में खेलने के लिए भेज दिया गया, ये देखने के लिए कि क्या टीटू उन्हें पहचान पाता है या नहीं। और यहाँ भी टीटू फेल नहीं हुआ, उसने तुरंत सुरेश के दोनों बच्चों को पहचान लिया, वो भी दूसरे सभी बच्चों के बीच से। तीसरा टेस्ट भी पास हो चुका था। अब इतने सारे सबूतों के बाद सबको यकीन हो गया था कि टीटू सिंह असल में सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है। ये खबर इतनी बड़ी थी कि मीडिया ने इसे हर जगह कवर किया। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एनके चड्डा को भी इस केस के बारे में पता चला। प्रोफेसर चड्डा डॉक्टर इयान स्टीवसन के रिसर्च टीम में थे, जो दुनिया भर में रीइंकार्नेशन पर अपनी रिसर्च के लिए मशहूर थी। अब डॉक्टर स्टीवसन के कहने पर उनके साथी रिसर्चर डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टीटू के केस को करीबी से स्टडी करना शुरू किया। सुरेश के परिवार ने बताया था कि सुरेश का स्वभाव काफी गुस्से वाला था और वो सब पर अपना रौब झाड़ता रहता था। एंटोनिया ने देखा कि टीटू का बर्ताव भी कुछ ऐसा ही था। एक बार जब वो मार्केट में चूड़ियां खरीदने गया, तब टीटू ने दुकानदार को धमका दिया और कहा कि एंटोनिया मेरी दोस्त है, उससे पैसे मत लेना। ये नेचर भी टीटू और सुरेश के बीच का एक सटल कनेक्शन दिखा रहा था। अब डॉक्टर मिल्स ने अपने रिसर्च पेपर में स्पेसिफिकली इस घटना का जिक्र किया है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या टीटू को सुरेश के हथियारों के बारे में पता था? क्या उसने अपने पिछले जन्म में उनका चेहरा देखा था? क्या वो उन्हें दोबारा पहचान सकता था? टीटू ने बताया कि 28 अगस्त 1983 के शाम जब सुरेश को गोली मारी गई थी, तब उसने उन दो गुंडों में से एक का चेहरा पहचान लिया था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि सुरेश के साथ काम करने वाला एक व्यापारी ही था। अब दोस्तों, इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था पोस्टमार्टम और बर्थ मार्क रिपोर्ट। जिस तरह से सुरेश को गोली लगी थी, वैसे ही टीटू के सर पर दो निशान मिले थे। जब उसके बालों को हटाकर देखा गया, तो ये पता चला कि टीटू के सर के पार गोली के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स के निशान हैं। डॉक्टर इयान स्टीवसन का रिसर्च कहता है कि जन्म के निशान और पिछले जन्म की चोटों का एक कनेक्शन होता है, और हिंदू धर्म में भी इस चीज पर बिलीव किया जाता है। एक कहानी कहती है कि टीटू ने कोर्ट में गवाही दी और सारे सबूत दिखाकर अपने हथियारों को दिलवाया। वही एक फैक्ट ये भी है कि सुरेश वर्मा की डेथ के तुरंत बाद उनके खूनियों को पकड़ लिया गया था। नौ बदकिस्मती से कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं है जो इन दोनों में से किसी फैक्ट को प्रूव कर सके। बहुत से लोगों ने इस कहानी को एक बहुत बड़ा ड्रामा भी कहा है, जो टीटू के परिवार ने फेम और पैसे कमाने के लिए किया था। आज टीटू सिंह यानी कि तोरण सिंह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद है और वो अक्सर आगरा अपने पिछले परिवार से मिलने जाता रहता है। लेकिन अब उसने ये समझ लिया है कि हम एक साथ दो जिंदगी नहीं जी सकते। जो गुजर गया वो गुजर गया, और जो हमारे पास है वो सिर्फ आज है। अंत में दोनों परिवार अपनी अपनी जिंदगी में वापस चले गए। टीटू अपने गांव में रहकर अपनी दो अलग अलग जिंदगियों की यादों के साथ बड़ा हुआ। अब ये पुनर्जन्म की कहानी एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देती है कि शायद जिंदगी एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक गोल सर्कल है, जिसका ना तो शुरुआत है और ना ही कोई अंत। आपको क्या लगता है, क्या टीटू सिंह की पुनर्जन्म वाली कहानी सच है? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और दोस्तों, क्या आपको इस तरह की कहानियां पसंद है? अगर हाँ तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपने कमेंट्स लिखकर बताओ। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं इस सीरीज को भी आगे कंटिन्यू करूंगा। अगर आप नए चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है मिस्टीरियस ब्लैक सी के बारे में। ब्लैक सी, जो कि टर्की, यूक्रेन, जॉर्जिया और भी देशों से घिरा हुआ है, ये एक बहुत ही मिस्टीरियस सी है। इस समुद्र के तल पर ना कुछ ऐसी खुफिया चीजें छिपी हुई है
जो कभी भी खराब नहीं होती। सिर्फ पुराने डूबे हुए शिप्स ही नहीं बल्कि कई इंसानों के शव भी पड़े हुए हैं। पर आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या है ब्लैक सी का पूरा माजरा, जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय।